नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेलिंग स्टेप के अंदर रूल्स का ऑप्शन है और उसमें मर्ज रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है वो हम यहां पे सीखने वाला है। दोस्तों, आगे के जो ये तीन रूल्स है, आस्क, फिल इन, इफ देन एल्स, ये तीनों रूल्स के ऊपर हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता तो उसके वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी। अभी दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पे मर्ज रिकॉर्ड का ऑप्शन है वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे दोस्तों पहले से ही मैंने सैंपल कंटेंट लिख के रखा हुआ है। दोस्तों, ये जो कंटेंट है वो स्टाफ मीटिंग के लिए है और ये लेटर है वो हम हमारे स्टाफ में जितने भी मेम्बर्स को मीटिंग में बुलाना चाहते हैं उसको ये हम लेटर भेजना चाहते हैं। और जो स्टाफ डिटेल है वो पहले से ही हमने एक्सेल शीट में बना के रखी हुई है। दोस्तों, हमारी जो एक्सेल शीट है उसमें अलग अलग तीन शीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रिजल्ट और स्टाफ डिटेल। तो जो स्टाफ की डिटेल्स की एक्सेल शीट है उसमें जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं ये एक्सेल शीट को क्लोज कर देता हूँ और फिर से हम एमएस ऑफिस वर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे हेडिंग लिखा है स्टाफ डिटेल और ये हमारी कंपनी का नेम है और यहाँ पे जिन लोगों को हमें मीटिंग में बुलाना है उसका एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम मेलिंग्स में चले जाते हैं। पहले हम हमारी एक्सेल शीट यहाँ पे मेल मर्ज के लिए कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्ट रिसिपिएंट्स पे क्लिक करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी एक्सेल फाइल पड़ी है वहाँ पे हम जाएंगे और एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो एक्सेल फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और ये जो कॉन्टेक्ट लिस्ट वाली फाइल है उस पर हम सिलेक्ट करके ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारी एक्सेल शीट में जितने भी शीट होगी उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा, उसमें से कौन सी शीट का यूज आपको करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी जो डिटेल है वो स्टाफ डिटेल एक्सेल शीट में है तो उसको हम सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो हमारी जो एक्सेल शीट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें जिन लोगों को मीटिंग में बुलाना है उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है तो हम यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सरनेम आ रहा है, नेम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैच फील्ड पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट नेम के सामने नॉट मैच लिखा है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो फील्ड है वो हमारी एक्सेल शीट में से आ रहा है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम के सामने लास्ट नेम है, सुफिक्स नहीं चाहिए इसलिए वहाँ पे नो मैच है। उसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों लिखा है पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड हमें एड्रेस में रखना है तो यहाँ पे हम नॉट मैच फील्ड पे क्लिक करेंगे और हमारी जो एक्सेल शीट है उसमें पोस्टल कोड का जो फील्ड है वो पिन कोड के नाम से है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पिन कोड और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, प्रीव्यू सही तरीके से आ रहा है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आ गया और यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेम और एड्रेस आ रहा है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो स्टाफ मीटिंग है उसमें हमें सभी लोगों को नहीं बुलाना है, हमें कुछ लोगों को नहीं बुलाना है तो उन लोगों की डिटेल को हमें यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, मतलब कि उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एडिट रिसिपिएंट लिस्ट पे क्लिक करना है और जिन लोगों की डिटेल आपको नहीं चाहिए उसको यहाँ पे अनटिक करना है। मान लो दोस्तों, ये जो दूसरा नंबर का रिकॉर्ड है रानी रस्तोगी, उसको हमें स्टाफ मीटिंग में नहीं बुलाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करके इसको अनटिक कर देंगे। फिर दोस्तों, यहाँ पे राजा साहेब है उसको भी हमें मीटिंग में नहीं बुलाना है तो इसको भी हम क्लिक करके सिलेक्शन में से निकाल देंगे। फिर दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा और नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे बाबूराव पाल है उसको भी हमें मीटिंग में नहीं बुलाना है तो इसको क्या करेंगे, तो इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्शन में से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, जिनको हमें नहीं बुलाना था उसको हमने सिलेक्शन में से निकाल दिया, मतलब कि उसको अनटिक कर दिया। अब दोस्तों हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड है, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड नंबर का रिकॉर्ड आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो सेकंड नंबर का रिकॉर्ड था उसको हमने अनटिक कर दिया था, मतलब कि सिलेक्शन में से निकाल दिया था, इसलिए यहाँ पे थर्ड नंबर का रिकॉर्ड आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये है थर्ड नंबर, हम फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट नंबर का रिकॉर्ड और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये थर्ड नंबर आ रहा है, टू नंबर का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। तो टू नंबर का रिकॉर्ड स्किप हो जाता है क्योंकि हमें उसको मीटिंग नहीं बुलाना है, इसलिए हमने क्या किया, एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में जाके यहाँ पे उसको सिलेक्शन में से निकाल दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड नंबर चाहिए ताकि हमें पता चले ये जो रिकॉर्ड आ रहा है, ये जो एड्रेस आ रहा है वो कौन से नंबर का एड्रेस है। तो वो लाने के लिए हमें यहाँ पे रूल्स में मर्ज रिकॉर्ड का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टाफ मीटिंग पे हम ऊपर थोड़ी
जगह रख लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे और ये जो हमारा कर्सर है उसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से मेलिंग टैब में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिकॉर्ड नंबर और फिर दोस्तों हम यहाँ पे कॉलन करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट है उसको अभी के लिए हम बंद कर देते हैं। अब दोस्तों हम रूल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज रिकॉर्ड, वहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मर्ज रिकॉर्ड्स का फील आ गया। अब दोस्तों हम प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये जो रिकॉर्ड नंबर है मतलब कि हमारा जो एडिट रिसिपिएंट्स का लिस्ट है उसमें ये जो रिकॉर्ड है वो 3 नंबर पे है तो यहाँ पे आ रहा है 3 और फिर ये जो सिंह सविता है वो 4 नंबर का रिकॉर्ड है तो वो 4 नंबर पे आएगा तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये 4 नंबर का रिकॉर्ड। फिर जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो हमने स्किप कर दिया मतलब कि 5 नंबर का रिकॉर्ड स्किप हो जाएगा और सीधा 6 नंबर का रिकॉर्ड आएगा तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये 6 नंबर का रिकॉर्ड आ रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन है मर्ज रिकॉर्ड का। तो दोस्तों मर्ज रिकॉर्ड का यूज़ क्या है, दोस्तों मर्ज रिकॉर्ड आपको एडिट रिसिपिएंट्स में जिन लोगों को आप खत भेजना चाहते हैं मतलब कि जिन रिकॉर्ड को आप यूज़ कर रहे हो उस रिकॉर्ड का नंबर कौन सा है वो नंबर जानने के लिए आप मर्ज रिकॉर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड आपने स्किप किए होंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे और जिन रिकॉर्ड को आपने सिलेक्ट किया है मतलब कि टिक करके रखा है वो रिकॉर्ड यहाँ पे आएंगे और उसका नंबर मर्ज रिकॉर्ड की मदद से आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे फिनिश्ड एंड मर्ज करके भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ऑल बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फर्स्ट रिकॉर्ड है रिकॉर्ड नंबर 1। नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा रिकॉर्ड नंबर 3 क्योंकि हमने दूसरे नंबर का जो रिकॉर्ड था वो स्किप कर दिया था, उसको सिलेक्शन में से निकाल दिया था तो यहाँ पे सीधा 3 नंबर का रिकॉर्ड आ रहा है। तो दोस्तों मर्ज रिकॉर्ड रूल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों इस रूल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आप ये एक सैम्पल कंटेंट है उसकी जो फाइल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल है उसकी भी एक्सेल शीट की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों की लिंक हमने दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो उसे डाउनलोड करके आप सीधी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।